हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नेट से बहुत ही सुंदर एक सूट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कपड़ा को फोर फोल्डेड कर लिया क्योंकि हम लोग फ्रंट और बैक पर दोनों साथ में निकालेंगे। और पहले हम लोग एक सीधा मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, मैं मार्जिन ड्रॉ कर लिया। अभी इसका शोल्डर लेंगे, 7 इंच पे। और आर्म होल लेंगे 6 इंच पे। 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधा लाइन खींच देंगे। देखिए, मैं अभी चेस्ट का चौथा भाग करके हम लोग उसका निशान लगा देंगे। हम लोग का चेस्ट है इधर 34 का 8.5 इंच पे, और इधर से हम लोग 4 इंच नीचे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का भी चौथा भाग करके निशान लगा देंगे। और देखिए, इधर से हम लोग का चेस्ट को उधर से 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उधर से हम लोग हिप का निशान लगाएंगे। हिप का भी आपका जितना है उधर चौथा भाग करके निशान लगा दीजिए। देखिए, हिप का भी मैं चौथा भाग करके निशान लगा दिया। अभी तीनों लाइन को हम लोग जोड़ लेंगे। और हम लोग 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। देखिए, अभी ये लाइन को हम लोग सीधा नीचे तक इसको खींच देंगे। देखिए, मैं ये लाइन को सीधा नीचे तक खींच दिया। अभी आर्म होल का शेप देंगे। देखिए, कॉर्नर से 1.5 इंच हम लोग बाहर की तरफ लेते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। हम लोग का इसमें 2 पार्ट निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे और शोल्डर से 1/2 इंच नीचे लेंगे। देखिए, 1/2 इंच में डाउन कर लिया। चलिए, अभी इसका कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं कटिंग कर लिया इस देखिए मैं कटिंग कर लिया इसका। अभी इसमें से एक पार्ट को निकल के रख देंगे बैक पार्ट। अभी फ्रंट के जो पार्ट है उसका आर्म होल का इसमें शेप दे देंगे। देखिए, मैं इस पर फ्रंट और 1/2 इंच अंदर लेते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया। देखिए, अभी ये नेट के फैब्रिक के ऊपर हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैं नेट के फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लिया। अभी हम लोग शोल्डर के उधर से 7 इंच नीचे लेंगे। नीचे लेके एक ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। देखिए, 7 इंच नीचे लेके हम लोग इसको गोलाई दे दिया एक और इसको कटिंग कर देंगे। देखिए, मैं इसका कटिंग कर लिया। और देखिए, नेट के फैब्रिक के ऊपर हम लोग इसका बोट नेक का एक गला बनाएंगे 4.5 इंच, और नीचे से डाउन पे लेंगे 3.5 इंच। एक बॉक्स बना के इसका गोलाई में एक शेप दे देंगे। देखिए, मैं शेप देके इसका कटिंग कर लिया। देखिए, कुछ तरह ऐसे होगा ये। चलिए, अभी देखिए बैक पार्ट का भी हम लोग ऐसे ही 4.5 इंच और नीचे से 3.5 इंच डाउन रखते हुए बोट नेक का शेप देके इसको भी गोलाई देके कटिंग कर लेंगे।
देखिए मैं इसका भी कटिंग कर लिया। अब एक इसका स्लीव का हम लोग कटिंग करेंगे। देखिए मैं कपड़ा को फोर फोल्डेड कर लिया। और नीचे से एक सीधा हम लोग इसका कटिंग कर लेंगे। कपड़े को पूरा सीधा रखते थोड़ा कटिंग कर लेंगे। देखिए इसका इधर चौड़ा में है 9 इंच। और अभी इसका जो स्लीव का लेंथ है 4 इंच पे है। और इधर से हम लोग 2.5 इंच लेंगे क्योंकि नीचे से फोल्ड होगा, फोल्ड में सिलाई में जाएगा इसलिए। और इधर से 2 इंच पे एक मार्जिन करेंगे और 1.5 इंच पे एक मार्जिन करेंगे। और ऊपर के तरफ से भी 1.5 इंच पे एक 2 इंच पे एक मार्जिन करेंगे। अभी इसका गोलाई में एक शेप दे देंगे। देखिए और एक में 1/2 इंच का अंदर के तरफ रखते हुए शेप दे दिया। अब इसका हम लोग कटिंग कर लेंगे स्लीव का। देखिए हम लोग का 2 स्लीव रेडी हो गया। और जो एक्स्ट्रा हम लोग 1/2 इंच का अंदर मार्जिन दिए थे उसको भी कटिंग कर लेंगे। ये हम लोग का फ्रंट के तरफ आएगा। देखिए मेरा स्लीव भी रेडी हो गया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सिलाई। देखिए सिलाई के लिए मैं जो फैब्रिक के ऊपर जो हम लोग कटिंग किए थे शेप दिए थे गोलाई में थोड़ा, उसके ऊपर अभी मैं एक सीधा पट्टी रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का है, 1/2 इंच का मैं कटिंग किया था। कटिंग करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा करके 1/2 इंच का ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखिए मैं सिलाई लगा दिया। अभी इस पर छोटा छोटा कट लगा देंगे। देखिए अभी ऊपर ऊपर से और एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं ऊपर से इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दिया। अभी इसको अंदर की तरफ हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके और एक सिलाई लगा देंगे। हम लोग का जो फ्रंट में जो हम लोग कपड़े के ऊपर कटिंग किए थे उसको हम लोग रेडी कर लेंगे। फिर इसको नेट के ऊपर अटैच करेंगे। देखिए मैं इसको रेडी कर लिया। अभी इसको छोटे पूरा अंदर की तरफ इसको पूरा अच्छे से सिलाई लगा देंगे। देखिए मैं सिलाई लगा लिया। अभी इसके ऊपर हम लोग और नेट को रख के इसके ऊपर अटैच करेंगे। देखिए अभी नेट के ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे। उसके ऊपर नेट को अच्छे से रख के एक सिलाई लगा देना है बस। देखिए रेडी हो गया। अभी इसको हम लोग गला रेडी करेंगे। पहले हम लोग इसका बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट को कैसे रखा, पहले नेट रखा उसके ऊपर हम लोग जो अस्तर का कपड़ा कटिंग किए थे उसके ऊपर रख के। देखिए मैं एक सिलाई लगा लिया और सिलाई लगा के उसको कटिंग कर दिया। अभी उसको क्या करेंगे, दोनों का शोल्डर को जॉइन करेंगे फिर यूरोप पट्टी को कटिंग करके उसका गला को रेडी करेंगे। देखिए पहले दोनों का शोल्डर को एक साथ लेके हम लोग उसको सिलाई लगा देंगे। देखिए मैं सिलाई लगा दिया सीधा तरफ से, फिर घुमा के उसको उल्टा तरफ से भी एक सिलाई लगा देंगे।
देखिए अभी दूसरा शोल्डर को भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। देखिए अभी हम गला रेडी करने के लिए यूरोप पट्टी को कटिंग कर लिया, इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैं यूरोप पट्टी को ज्वाइन कर लिया, अभी जो कपड़ा है मेन फैब्रिक हम लोग उसको तो ज्वाइन कर लिए थे शोल्डर को। अभी देखिए उसका जो गले का है पूरा में उसके ऊपर अभी इसको थोड़ा 1.5 इंच का सिलाई रखते हुए पूरा सिल देंगे। देखिए इसको ऊपर अभी ऐसे अटैच कर लेंगे, आगे का और पीछे का दोनों का गला ऐसे रेडी होगा, एक साथ रेडी हो जाएगा ये। देखिए मैं पूरा इसको राउंड करके सिलाई लगा लिया, अब इस पे छोटा छोटा कट लगा देंगे। देखिए मैं कट लगा दिया इसके ऊपर, अभी इसको अंदर के तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। देखिए मेरा पूरा गला रेडी हो गया, अभी इसका स्लीव को हम लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं पहले आपको स्लीव कटिंग दिखाया था, अभी स्लीव को हम लोग नीचे की तरफ से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे पहले। देखिए इसका हम लोग पूरा ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। देखिए एक स्लीव रेडी होगा, मैं दूसरा स्लीव को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए मैं रेडी कर लिया, अभी इसको स्लीव को अटैच करेंगे हम लोग, इसको शोल्डर से अटैच करेंगे। देखिए मैं एक साइड अटैच कर लिया, फिर दूसरे साइड को भी ऐसे ही शोल्डर की तरफ से शुरू करेंगे। देखिए अभी दूसरे साइड पे भी स्लीव ऐसे ही हम लोग लगा लेंगे। देखिए हम लोग का स्लीव दोनों का अटैच हो गया। देखिए मैं इस पे फिटिंग का निशान लगा दिया, अभी इसको फिटिंग कर लेंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं इसको ऊपर फिटिंग कर रही हूँ, अभी दूसरे साइड को भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं इसको फिटिंग कर लिया। हम लोग का सूट रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।